एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको क्या करना है, प्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेंस के एग्जाम में उनको अंदर ही नहीं घुसने दिया। ये सबसे बड़ा कारण होता है जिस कारण से लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। उसके बाद किताब को हाथ मत लगा लेना भाई साहब, वो सब मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तो इससे आपका सबसे पहले मोरल हाई होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। सभी को मेरा राम राम। आप सब लोगों को पता है कि SSC के पेपर बिल्कुल सिर पर खड़े हैं। एक दो दिन में CHSL के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद CGL के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए आया हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपके बहुत काम आने वाली है। सभी एस्पिरेंट्स को ये वीडियो देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपने जो अपनी मेहनत में लगे हो, एक साल से, दो साल से, तीन साल से, जब से भी लगे हो, वो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपकी मेहनत खराब ना हो जाए। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं खुद पर्सनली, एक ऐसे मतलब मैं मेरे नोन हैं और मैं उनको जानता हूं जो कई सालों से लगे हुए थे। कई बार वो उनका मेंस भी क्लियर हुआ, एक बार डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और 2018 उनका लास्ट अटेम्प्ट था और 2018 के अटेम्प्ट में उनको अंदर ही नहीं घुसने दिया। पेपर के मतलब पेपर देने गए और उनको प्री उनका क्लियर था, प्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेंस के एग्जाम में उनको अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। लोग सिर्फ ये बताते हैं कि एग्जाम डे पे क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको क्या करना है। एक दिन पहले सबसे पहले तो आपको अपने एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ रेडी करके रखना है। एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट, जो जो आपको लेके जाना है, अपना ID प्रूफ। ID प्रूफ पे ये ध्यान रखना कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वही सेम आपका एडमिट कार्ड पर भी हो और वही सेम आपका ID प्रूफ पर ही हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है जिस कारण से लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और जो मैं अपने नाम बता रहा हूँ उनका भी यही कारण था, उनको अंदर इसी रीजन से नहीं घुसने दिया था और उनका वो लास्ट अटेम्प्ट था। देखो कितना दुखता है इंसान को। एक बार तो बिल्कुल एंड तक पहुंचे थे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, इस बार उनका क्लियर हो जाता, बहुत मेहनत करी हुई थी लेकिन घुस ही नहीं पाए पेपर के अंदर। उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ते रहते हैं रात को पढ़ते रहते हैं। एग्जाम में मैं देखता था, एग्जाम देने जाता था ना, पार्किंग में गाड़ियों में बैठ के पढ़ रहे होते थे किताबों में। ऐसे पता नहीं भाई साहब, मैं तो कहूँ यार क्या कर रहे हो यार तुम, ये समय कोई पढ़ने का थोड़ी है, ये समय माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश रखने का है, क्योंकि माइंड आपका जितना रिलैक्स होगा उतना ही तो आपका एग्जाम हॉल में काम आएगा ना। तो एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश करो जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है ना, एक दिन पहले दोपहर तक, लंच तक, 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ लो। उसके बाद किताब को हाथ मत लगा लेना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के अपना रिलैक्स करो। जहाँ आपका जाने का मन करता हो, कहीं फ्रेंड्स के पास जाने की इच्छा हो, मंदिर जाने की इच्छा हो, गुरुद्वारे जाने की इच्छा हो, जहाँ भी आपके जाने की इच्छा हो, जहाँ आपको पीस मिले, आपको लगे कि भाई मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग जाओ। और सबसे ज़रूरी होती है ये चीज़ रिलैक्स, ताकि आपको अच्छी नींद आ पाए। बाकी देखो ये एक सच्चाई है कि मैं आपको कितना ही कह लूँ कि अच्छी नींद आए, लेकिन जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करी होती है, इतनी तैयारी करी होती है, उसको इतनी आसानी से पेपर से एक रात पहले नींद नहीं आती। मुझे भी नहीं आई थी, मुझे भी लेट आई थी नींद, लेकिन भाई कहना तो मेरा फर्ज है कि अच्छी नींद लो। अब वो आए या ना आए वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप रिलैक्स रहो, सोचो मत, नींद नहीं भी आती, आप लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर एडमिट कार्ड में सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जो आपसे मांगा गया, ID प्रूफ मांगा गया, आपकी पिक फोटो मांगी गई है, जो जो चीज़ें मांगी गई है, सब हर चीज़ लेकर जाना, कोई भी चीज़ भूल कर मत जाना। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह अपने साथ मत लेकर जाना, क्योंकि अंदर तो आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा, बाहर पता नहीं आपको कहीं जगह मिले ना मिले। अगर मिल भी जाएगी ना, जैसे मैं एग्जाम, मेरे साथ तो मेरे पापा जाते थे हर जगह एग्जाम में, तो बाहर कार में रख लेते थे सारी चीज़ें, लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखता था लाइनों में ही लगे रहते थे, पहले उसको जमा करवाने की लाइन में लगे हैं, फिर पेपर खत्म होने के बाद उसको निकलवाने की लाइन में लगे हैं। यार ऐसे मतलब आपको रिलैक्स रहना चाहिए और आप वहाँ परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, कोई मतलब नहीं है। कोई कड़ा चेन कुछ भी मतलब ऐसा मत पहन के जाना, बिल्कुल अपनी बॉडी पे कोई ऑर्नामेंट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एग्जाम हॉल पर समय से पहुंचो। देखो इतने सालों की मेहनत है, अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट भी लेट हो गए ना भाई साहब, वो सब मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि 5 मिनट लेट होने की बजाय 5 घंटे पहले जाकर वेट कर लो आप बाहर, लेकिन लेट मत हो। मैं खुद तो बहुत मतलब 1-2 घंटे पहले तो मैं इस हिसाब से जाता था कि 1-2 घंटे पहले मैं पहुंच ही जाता था सेंटर के बाहर। बहुत से लोगों को हो सकता है कि ये बात मेरी गलत लग रही हो, कह रहे हो कि यार तो बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कोई बात नहीं, आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे को ये बेवकूफ़ी नहीं लगती, क्योंकि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने सब कुछ इस चीज़ पर अपना बलिदान कर दिया, तो मैं अगर लेट हो गया तो मेरा वो सब बर्बाद हो जाएगा ना, तो क्या फायदा उस चीज का। मैं समय पर गया और मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा कि समय पर जाओ। उसके बाद वहां जाकर घबराओ मत, भीड़भाड़, बहुत सारे लोग ना भीड़भाड़ को देख के घबरा जाते हैं कि यार इतने बच्चे पेपर देने आए हैं, भाई वो आपको बिल्कुल नहीं डरना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में जाओ, रिलैक्स मन से जाओ, अंदर जाओ, अंदर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कहीं आपसे कुछ चीजें फिल करवाएंगी, कुछ एक वो आता है उसमें आपको रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना होता है, वो सब चीजें होंगी, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम अपने पेपर पे फोकस करना, इधर उधर फोकस मत करना कि इधर वाला भाई क्या कर रहा है, इधर वाले क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में अगर उलझ गए, बातें करने लग गए, इधर उधर से पूछने लग गए, तो भाई डिस्टर्ब ही रहोगे। जो पढ़ के गए हो ना, जितना आता है ना, अपने हिसाब से करो। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मेरे पापा मेरे को हमेशा समझाते थे और मैं भी आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, मेरे बहुत काम आए, कि भाई पेपर मुश्किल आए या पेपर आसान आए, आपको ना डरना है ना बहुत ज़्यादा खुश होना है। डरने से भी और ओवर एक्साइटेड में भी
बंदा नर्वस होगा या खुश होगा हमेशा पेपर उसका बिगड़ेगा। देखो अगर पेपर मुश्किल आया है तो सभी के लिए मुश्किल है, कोई आपके अकेले के लिए तो मुश्किल है नहीं, और अगर पेपर आसान आया वो भी सभी के लिए आसान है, आपके अकेले के लिए तो है ही नहीं, और आजकल तो नॉर्मलाइजेशन भी हो जाती है। तो भाई घबराना नहीं है आपको, आपको एकदम रिलैक्स मोड में पेपर को करना है। जो जो चीज़ें आपको आती हो सबसे पहले वो चीज़ें अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा मुश्किल सवालों में स्टार्टिंग में मत उलझो, जो आपको आते हो ईजी लग रहे हो सबसे पहले वो अटैम्प्ट करो, इससे आपका सबसे पहले मोरल हाई होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का। अगर आप कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके अंदर तो आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। अब पेपर का सीक्वेंस कैसे अटैम्प्ट करना है, अब तक आप सब लोगों को पता ही होगा, आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए होंगे कि आपको कौन सा सीक्वेंस बेस्ट लगता है। मैं अपना बता देता हूँ, मैं क्या करता था, सबसे पहले जीके करता था 5 मिनट में खत्म, जीके के बाद इंग्लिश करता था 10 मिनट में खत्म, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के बाद रीजनिंग करता था 10 से 15 मिनट में खत्म, यानी कि 25 से 30 मिनट हो गए मेरे जीके इंग्लिश और रीजनिंग होगी। अब बचते थे 30 से 35 मिनट, तो मैथ्स कोशिश करता था 25 से 30 मिनट में मैथ्स पूरी इजीली हो जाती थी, बहुत आराम से हो जाती थी, और एंड में जो 5-7-10 मिनट बचते थे उनमें जो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको देख लेता था। और इससे भी जरूरी चीज तुक्केबाजी, मैं तुक्के लगाता था, जमकर लगाता था, यही कारण था कि मेरे जीके में 50 में से 25 नंबर आए, मतलब पढ़ा भी था मैं लेकिन तुक्का भी बहुत बड़ा कारण था। तो आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि भाई तुक्केबाजी करने में पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत। ये मैंने आपको सारा एक वीडियो बना रखी है कि कैसे करनी है, क्या करनी है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या मेरी प्लेलिस्ट स्ट्रेटजी एंड टिप्स में जाकर आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने सारा अच्छे से बता रखा है कि आपको तुक्के कैसे मारने चाहिए। कोशिश करो कि पूरा अटेम्प्ट करो पेपर, कुछ भी छोड़ो मत। मैं पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, भाई समय ही ना हो छूट जाए, जैसे मेरा टीयर 1 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन छूट गया था समय ना होने की वजह से, तो जितने बाकी मेरे को नहीं आते थे मैंने तुक्के मारे ही मारे थे, एक छूट गया था उसमें भी तुक्का मारने ही वाला था कि वो जो टिक टिक होती है ना ऊपर वो बंद हो गई और पेपर मेरा वो हो गया था सबमिट, नहीं तो वो भी मैं करके आता पक्का। बाकी भाई घबराओ मत, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, आपने जो मेहनत करी आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपकी जॉब जरूर लगेगी, बहुत अच्छी जॉब लगेगी, और जो एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं उन सबका एनालिसिस हम लेकर आएंगे, उसका एनालिसिस हमारे चैनल मास्टर जी एजुकेशन पर आप लोग देख लेना, उससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। क्या क्या हेल्प होने वाली है मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर वैल्यू रिपीट नहीं भी होती तो टाइप्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन में, तो वो आप सब लोगों को जरूर देखना चाहिए। होप कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई आप सब इन सब चीजों को फॉलो करने की कोशिश करोगे और आपके बहुत हेल्प आएगी, और सबसे जरूरी इनमें जो चीज है वो ये चीज है कि आपको समय पर पहुंचना है एग्जाम में, अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी प्रूफ, ऐसा आईडी प्रूफ जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो वो लेकर जाना है, और फोटोग्राफ वगैरह या जो जो इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड में वो सब लेकर जाना है, ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर घुसने में कोई दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि आप सब मेहनत करके गए और एग्जाम हॉल के अंदर घुस ही ना पाओ। तो भाई ऑल द बेस्ट, आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई करूं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।